कांग्रेस बोली पूर्व सीएम व प्रदेश अध्यक्ष की गलतियों के कारण हारी भाजपा, कार्यकर्ताओं का अपमान न करें। भाजपा की हार के लिए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है तो उसका दर्द कांग्रेस को हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक की गलतियों के कारण भाजपा हारी है। कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराकर उनका अपमान न करें। त्रिवेदी ने आगे कहा है कि खुद की गलतियों, भ्रष्टाचार और अंधेरगर्दी के कारण भाजपा हारी है और दोष कार्यकर्ताओं पर मढ़कर कौशिक ने भाजपा नेतृत्व के वास्तविक चरित्र को उजागर किया है। भाजपा नेतृत्व का यही अहंकार और जनविरोधी व कार्यकर्ता विरोधी चरित्र ही भाजपा की हार का सबसे बड़ा कारण रहा है। उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और कौशिक विधानसभा अध्यक्ष व प्रदेश अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। कमीशनोरी, भ्रष्टाचार और सरकार की निष्क्रियता से परेशान जनता ने हरा दिया तो ठीकरा कार्यकर्ताओं पर फोड़ा जा रहा है। त्रिवेदी का कहना है कि दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी की सरकार में जनता की तकलीफों को महसूस किया, इसलिए भाजपा के लिए न तो वोट मांगा और न ही समर्थन। इसका एक कारण यह भी है कि कार्यकर्ता एक यही बात सुनी नहीं जाती है। भाजपा में ठेकेदार या चाटुकार नेता जो शीर्ष नेतृत्व के आगे पीछे घूमकर खुद को सबसे बड़ा भाजपाई सिद्ध करता है, उनकी ही सुनी जाती है। इस कारण सच्चे कार्यकर्ता अपमानित हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने अब कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाना बंद कर दिया है।